अफगानिस्तान ने वर्ल्ड क्रिकेट को मैसेज दे दिया है कि वो वर्ल्ड कप में पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। जी हाँ, हसमतुल्ला शाहिदी की कप्तानी वाली अफगान टीम ने बांग्लादेश को उसी के घर पर वनडे सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया है। इस सीरीज को जीतकर यकीनन अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस हाई हुआ होगा, क्योंकि इस साल अक्टूबर नवंबर में भारतीय सरजमी पर वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। शनिवार को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच चटगांव में दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया था, जहां अफगान टीम ने मेजबान को 142 रन के बड़े अंतर से हराकर धूल चटाई। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने इतिहास भी रच दिया। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान की ये पहली सीरीज जीत रही। सीरीज के पहले मुकाबले में भी अफगान ने बांग्लादेश को 17 रन से हराया था। एक दिवसीय विश्व कप से पहले अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। अफगानिस्तान ने दुनिया भर की सभी टीमों को चौकन्ना कर दिया है। वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है और यहाँ की पिचें अफगानिस्तान के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। भारतीय पिचों में स्पिनर्स का खासा दबदबा देखने को मिलता है और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अफगानिस्तान टीम के पास स्पिन गेंदबाजों की भरमार है। अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मुजीबुर रहमान, पूर्व कप्तान मोहम्मद नाबी, जियाउर रहमान और आईपीएल 2023 में धमाल मचाने वाले नूर अहमद मौजूद हैं। राशिद और मुजीब के पास तो आईपीएल के जरिए भारतीय सरजमी पर खेलने का अच्छा खासा अनुभव भी है। भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले की बात करें तो वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों का आमना सामना 11 अक्टूबर को होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। याद कीजिए 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में जब भारत का सामना अफगानिस्तान से हुआ था, तब टीम इंडिया काफी मुश्किल से वो मैच जीत सकी थी। उस मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 224 रन बनाए थे। अफगान टीम ने भी टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि वह टीम भारत को हराने में असफल रही। भारत के 224 रनों के जवाब में अफगानिस्तान ने 213 का स्कोर बनाया था और आखिरी ओवर तक भारत को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इस बार भी रोहित एंड कंपनी को अफगानिस्तान से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व कप खेलने वाली हर एक टीम को अफगानिस्तान से सावधान रहना होगा।